हमारे सुबह से उठने रात के सोने तक डे टू डे जिंदगी के अंदर हम कितने सारे इंसिडेंट्स देखते हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम होते हैं। अगर उन इंसिडेंट्स के बारे में देखा जाए कि जैसे आप कहीं कोई चोरी, डकैती, मर्डर, किसी के साथ कोई रेप या कोई भी ऐसे इंसिडेंट जो आप देख रहे हो अपने जिंदगी के अंदर, वो क्राइम्स है। अब जो क्राइम होता है, इसके पनिशमेंट, इसे कैसे डील करेगा, हमने कोई क्राइम किया है, उन सब चीजों से डील करता है हमारा इंडियन पीनल कोड। और आज के वीडियो के अंदर हम यही चीजें डिस्कस करने चाहेंगे कि ये इंडियन पीनल कोड क्या है, इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कैसा लॉ है, कहाँ कहाँ लागू होता है, कब आया था, क्या इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है, क्या डेट ऑफ इनएक्टमेंट है, हर एक चीज आज के वीडियो के अंदर हम कवर करके चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईशा एंड यू आर वॉचिंग क्रिप्टिकल अकेडमी। आज के वीडियो के अंदर हम इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अगर इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ने जा रहे हो ना, तो थोड़ी सी चीजें इसका बेसिक देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो ये 1860 के अंदर आया है। 1860 कोई भी कानून है आपका, जो हमारा बेयर एक्ट होता है, उसके अंदर जब आप देखोगे तो एक ईयर लिखा होता है। हर कानून के बाद एक ईयर होता है जो हमें याद करना होता है। वो ईयर क्या होता है, कैसे और क्यों इसको याद करना जरूरी होता है, दो चीजें होती है। किसी भी कानून की दो डेट होती है, एक होती है डेट ऑफ असेंट और एक होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट, या फिर डेट ऑफ जिस दिन वो केम टू फोर्स आया, वो है केम टू फोर्स आया। दोनों तरीकों को याद कैसे रखते हैं, देखो जिस दिन किसी कानून को मंजूरी मिल गई है, वो कानून की तारीख कहलाती है आपके असेंट की, यानी जिस दिन उसको मंजूरी मिल गई कि हाँ ये कानून बन के तैयार हो गया है पूरा। उस मंजूरी मिलने के बाद जब लोगों की नॉलेज में आ जाता है, फोर्स में, यूज में आने लग जाता है, उस तारीख को जिस दिन यूज में आता है, लोगों के नॉलेज में आता है, उसको बोलते हैं केम टू फोर्स। तो इंडियन पीनल कोड की ये दो तारीख है, असेंट वाली तारीख है आपकी 6 अक्टूबर 1860 और केम इन टू फोर्स की तारीख है 8 जनवरी 1860। ये दोनों क्वेश्चंस की आपके जुडिशरी के एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हो और या फिर आप अपने किसी भी एग्जाम्स को, लॉ के एग्जाम को दे रहे हैं, तो ये तारीखें थोड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता आता है। अब सेकंड चीज मैंने बोला कि 1860 में आया था, 1860 है क्या, हमेशा याद रखना किसी भी कानून को जो उसका बेयर एक्ट होता है, जब हम उसका जो साल याद करते हैं किस दिन वो आया था, वो साल होता है हमेशा आपका असेंट वाला, जिस दिन वो एनफोर्स हुआ है, वो कानून की तारीख बोली जाती है आपकी 1860। जैसे कि इंडियन पीनल कोड का आपका 1860 है, तो जिस दिन आपका एनफोर्स हुआ है, वो कानून आया है, असेंट मिली है उसको, उस दिन तारीख को ही, उस साल को हम बेसिकली लिखते हैं अपने कानून के साथ। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी इसमें कंफ्यूज मत होना। दो तारीखें होती है आपको, जिस दिन उसको मंजूरी मिली है और जिस दिन वो लागू हो गया, तो दो तारीखें जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। इंडियन पीनल कोड की अगर बात किया जाए, आगे अगर हम देखते हैं तो ये दो तारीखें थी। अगले एक्ट नंबर 45 है 1860 का, 1860 का। हर साल के अंदर कुछ नंबर ऑफ एक्ट आते हैं, तो ये कौन से नंबर का एक्ट था, ये चीज आपको खुद बेयर एक्ट में देखने को मिलती है। सी, ये हमारा इंडियन पीनल कोड। इस इंडियन पीनल कोड में अगर आप देखो तो यहाँ पे छोटा सा आपको दिखेगा 45th of 1860 लिखा हुआ है, राइट। तो हर बेयर एक्ट में आपका यहाँ भारी, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है आपका कि कौन से साल का कितने नंबर का कानून है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 45th नंबर का एक्ट है आपके 1860 का। नेक्स्ट बात की जाए कहाँ कहाँ लागू होता है, ये पूरे भारत पे लागू होता है। जब आपका जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था, उसके आने के बाद से जम्मू कश्मीर पे भी लागू होने लग गया है। बिफोर दैट ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, ठीक है। अब उसके अंदर जम्मू कश्मीर पे पहले लगता था रणबीर पीनल कोड लगता था, अब आपका इंडियन पीनल कोड ही अप्लाई होता है। और ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की एंट्री नंबर 48 के अंदर मेंशन किया गया है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। नेक्स्ट चीज आपकी ऑल ऑफ इंडिया पे लागू होती है। अगर इसकी पनिशमेंट्स की अगर बात करते हैं, तो आईपीसी किस किस टाइप के आपके पनिशमेंट्स देता है। देखो सिंपल सी बात है, दो तरीके होंगे। हम भारत के अंदर रह रहे हैं, तो कोई चीज जो भारत के अंदर हुई है उसके लिए पनिशमेंट, या कोई चीज जो भारत के किसी नागरिक ने कहीं बाहर जाके कोई क्राइम किया है, तो ये दो टाइप की पनिशमेंट आपकी दी जाती है, विद इन इंडिया या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के। देखा जाए तो ऑफेंसेस हमारे दो टाइप के हो गए, एक इंट्रा टेरिटोरियल, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अगर ऑफेंसेस की बात की जाती है, इंट्रा टेरिटोरियल जो विद इन द टेरिटरी हुए हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो टेरिटरी के बाहर हुए हैं, किसी एक इंडियन है उसने इंडिया के अंदर कोई क्राइम किया है, इंट्रा टेरिटोरियल आ गया ना, तो वो हमारे बेसिकली डील करता है, वैसे सेक्शन नंबर 2 डील करता है उससे, और 3 और 4 जो सेक्शन है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में से डील करता है ना। अब जब ये बात आती है भाई आईपीसी आया कैसे, क्या रीजन थे, कैसे ये आया, कहां से लाया गया, क्या चीज। देखो
इसको ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ कमीशन आया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 के अंदर आया था और इस लॉ के अंदर इस जो कमीशन था इसके अंदर लॉर्ड मैकॉले था जो इसका हेड था। इस लॉर्ड मैकॉले को भाई अब देखा गया कि एक्चुअली ये आया क्यों, किसे लाया गया इनको। देखो जो लॉर्ड ऑफ मैकॉले था इनको जिम्मेदारी ये गई कि भाई अब ऐसा कोई कानून लेके आओ जिससे जो एक स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड कानून हो जाए सभी टाइप के क्राइम्स के। देखो जब हमारा भारत एक्चुअली आजाद नहीं हुआ था उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ये इंडिया है, ठीक है, मेरी ड्राइंग को मजा थोड़ी सी खराब है पर समझ आएगा कि जो भारत है एक्चुअली इस भारत के हर एक एरिया के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट तरह का राज हुआ करता था। कुछ पार्ट से टुकड़ों में बटा हुआ था, कुछ पार्ट से जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गए थे, कुछ पार्ट से जो कि आगे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में आते थे और कुछ पार्ट से जो कि इंडिपेंडेंट थे। तो सब क्या करते थे, पहले के टाइम पे दो टाइप के कानून हुआ था, दो टाइप के मतलब क्राइम्स वगैरह को डील किया जाता था। एक होते थे दीवानी मामले, एक होते थे फौजदारी मामले, ठीक है। दो तरह के मामले होते थे, एक होते थे दीवानी मामले, एक होते थे फौजदारी मामले। दीवानी मामलों की बात की जाए तो ये कहलाते थे सिविल जितने केसेस होते हैं। फौजदारी मामलों की बात की जाए तो वो होते हैं जो कि आपके सारे के सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि सारे के सारे आपके क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। तो फौजदारी और जो आपके सिविल मैटर्स, ये दो तरह के कानून होते थे आपके बेसिकली। अगर आपके दीवानी मामलों की बात जब की जाती है तो दीवानी मामलों का मतलब होता है जो सिविल केसेस हैं आपके, फौजदारी क्रिमिनल हो गए। तो एक्चुअली क्या हुआ, दीवानी का तो ठीक है लेकिन फौजदारी जो मैटर्स थे ना ये इस टाइप के मैटर्स हो गए थे जो हर जगह पे ना वो अपने हिसाब से चल रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुस्लिम है तो अपने हिसाब से कुछ उस कानून को डील कर रहे हैं, ब्रिटिशर अपने अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, तो भाई कंसोलिडेटेड नहीं था ये कानून। इसी रीजन के साथ क्या हुआ, इन फ्यूचर एक फर्स्ट लॉ कमीशन बैठाया गया 1834 के अंदर, जिसके अंदर लॉर्ड मैकॉले उस ड्राफ्टिंग कमेटी के लॉर्ड मैकॉले हेड थे। उन्होंने कहा गया भाई तुम ऐसा कोई कानून ला दो जिससे पूरा हर जगह का जो कानून है, हर जगह जो पूरे इंडिया के अंदर एक कानून, एक कंसोलिडेटेड कानून हर जगह के लिए लागू हो सके। ऐसा नहीं है कि सर लॉर्ड मैकॉले इस कमीशन के अंदर थे, तीन और जी थे जो कि इस कमीशन के अंदर थे, बट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि वो इज द लाइक चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी फर्स्ट लॉ कमीशन का कौन था, तो वो लॉर्ड मैकॉले था। तीन बाकी के पर्सन थे आपके मैकलॉर्ड, एंडरसन एंड मिलर। ये मैकलॉर्ड, एंडरसन एंड मिलर ये तीन पर्सन और थे जो बाकी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर आपके बाकी के मेंबर्स थे। नेक्स्ट अगर हम बात की जाती है कि इस पूरे एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो उसके अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे एक्ट के अंदर आपके 23 चैप्टर्स, ठीक है, पार्ट्स में बट जाता है, तो 23 चैप्टर्स हैं, 511 टोटल सेक्शंस हैं। नाउ क्वेश्चन आता है क्या हम जब जुडिशरी वगैरह के लिए अपीयर होते हैं तो क्या हमें ये पूरे 511 सेक्शन याद करने होते हैं? ऐसा नहीं है, हमें ये पूरे 511 सेक्शन याद नहीं करने होते, ना पूरे 23 चैप्टर्स याद करने होते हैं। एक्चुअली इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें याद करने हैं और जिनकी आगे पीछे कहीं ना कहीं हमारा पूरा आईटी से रिवॉल्व करता है मेजर पार्ट। अगर इन पूरे 23 चैप्टर के अंदर बात की जाए तो सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे छोटा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 23, जिसके अंदर इकलौता बेचारा एक सेक्शन, ओनली वन सेक्शन। अगर लॉन्गेस्ट चैप्टर की बात की जाती है तो चैप्टर नंबर 17 आपका लॉन्गेस्ट चैप्टर है, इसके अंदर टोटल 84 सेक्शन। अब नेक्स्ट अगर बात की जाती है तो सबसे शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट हमने कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, कौन से नंबर का एक्ट है, कब ये कानून आया था, कौन इसको लेके आया था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, कैसी पनिशमेंट दी जाती है, कौन से नंबर की एंट्री थी जम्मू कश्मीर की, कहाँ कहाँ ये अब लागू होते, सब ये चीजें हमने कर ली है। अब बात आती है ये किस प्रकार का कानून। देखो कानून कोई भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर। सब्सटेंटिव लॉ को ही हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ भी, और जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसको हम एडजेक्टिव लॉ भी। ना ये स्टैट्यूटरी लॉ जो हम कह रहे हैं सब्सटेंटिव लॉ या फिर प्रोसीजरल लॉ, होता क्या है, अब आईपीसी जो हमारा है वो एक सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है ऐसा कोई भी कानून, बात को ध्यान से समझना, लिख लेना, कहीं राइट डाउन कर लेना जितनी भी चीजें आज बता रही हूँ। सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा कानून है
जो भी कानून हमारी राइट्स हमारे लाइबिलिटीज को बताता है वो होता है कोई भी कानून जो उस सब्सटेंटिव लॉ के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को बताता है किस मेथड से वो चलेगा, क्या मेथडोलॉजी होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो चीजें जो बताता है वो कहलाता है हमारा प्रोसीजरल। ये चीज क्लियर हो गई आपको? जैसे कि आईपीसी, आईपीसी आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है, वहीं आपका सीआरपीसी, सीपीसी, इनकी बात की जाए तो एक प्रोसीजरल लॉ, बिकॉज ये प्रोसेस एक प्रोसीजर की बात कर रही है। सब्सटेंटिव लॉ आपको पता चल गया स्टैट्यूटरी लॉ होता है, राइट्स लाइबिलिटीज बताता है, प्रोसीजरल लॉ आपका प्रोसेस बताता है, प्रोसीजर बताता है, ओके, उसको एडजेक्टिव लॉ भी है ना। नेक्स्ट अगर बात करते थे भाई, कभी भी कोई क्राइम हो रहा है तो दिमाग में लगाओ ना, मन में आया मैं बस सोचे जा रही हूँ कि भाई इधर से इसने अच्छा मुझे ये कह दिया, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कभी सब क्राइम हो थोड़ी ना गया, ऐसा आप सोच रहे हो अपने दिमाग में है कोई चीज, वो क्राइम नहीं हुआ है ना। हमेशा किसी भी क्राइम को करने के लिए हमारा आईपीसी फर्क करता है दो चीजों पर, एक एक्ट का सीरियस होना चाहिए, एक मेंस रिया होना चाहिए। ये एक्ट का सीरियस क्या होता है, मेंस रिया होता है। एक्ट का सीरियस मीन्स कोई एक्ट होना चाहिए और जो एक्ट हुआ है उसके पीछे मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड होना चाहिए, यानी आपने सोच समझ कर वो चीज की है, आपको पता था कि वो चीज गलत है, आपका गिल्टी माइंड था वहां पे, फिर भी आपको उस चीज को किया है, तो फ्राइट इज बेसिकली इक्वल टू एक्ट का सीरियस प्लस में मेंस रिया। अगर इस चीज को आप देखते हो तो एक हमारा मैक्सिम है जो पूरे आईपीसी को एक तरह से एक लाइन के अंदर अगर हम शुरुआत में समझना चाहें तो समझ सकते हैं इस लाइन से कि एक्टस नॉन फेसिड फ्रीडम मिसी मेंस सेड प्रियम, एक्टस नॉन फेसिड प्रियम मिसी मेंस सेड प्रिया। इसका मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी कंडक्ट, कोई भी एक्ट है वो अपने आप में तब तक क्राइम नहीं है जब तक कि उसके पीछे एक गिल्टी माइंड ना हो, ये लाइन का बेसिकली मतलब है। एक्टस नॉन फेसिड प्रियम, एक्टस मीन्स कोई एक्ट है नॉन फेसिड प्रियम तब तक कोई क्राइम है वो पनिशेबल नहीं है, मिसी मेंस सेड प्रिया, मेंस सेड प्रिया मीन्स जब तक उसके पीछे कोई गिल्टी माइंड नहीं है, तो बेसिकली हमारे आईपीसी के अंदर किसी कानून को, किसी भी केस को, किसी क्राइम को आने के लिए वो फैक्टर्स को हमें दिमाग में रखना होता है, जब कोई क्राइम हुआ है ना तो भाई उसके पीछे क्या एक्ट का सीरियस था और बेसिकली उसका क्या मेंस रिया था, ये दो चीजों को जब हम ध्यान में रखते हैं तब हमें पता चलता है व्हाट वाज द प्लॉट। सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट योर आईपीसी, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, आगे के वीडियोस के अंदर हम करके चलेंगे चैप्टर वाइज एंड उसके सेक्शंस के वाइज, शुरू के जो दो पार्ट है 52 ए सेक्शंस का वो तो फिर भी बड़ा इजीली आप प्रो कर लेते हो, लेकिन जहां बात आ जाती है फिर नेक्स्ट आगे तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है 53 से करने में, देन उसके बाद आपके एक्सेप्शन आ जाती है, उन सबको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उन सबको भी हम थोड़ा सा करने के चलेंगे। एंड ये था टोटल हमारा सब कुछ हमारे आईपीसी के बारे में। इतने सब करने के बाद इसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। टिल देन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।